और एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है और मिजोरम की पूरी 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। मिजोरम में एक चरण में मतदान होना है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग संपन्न कराए जाएंगे। और इसके अलावा बड़ी खबर ये भी कि छत्तीसगढ़ चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, सभी मतदाताओं से वोटिंग की अपील की है। ये बड़ी खबर, जहां गृहमंत्री अमित शाह ने देखे ट्वीट करके अपील की है मतदाताओं से कि आप संख्या में निकले और वोटिंग करें। प्रदेश से भ्रष्टाचार और घोटालों के शासन को समाप्त कर जनजातीय समाज, किसानों, गरीबों और युवाओं के कल्याण के प्रति समर्पित सरकार चुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। और एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है और मिजोरम की पूरी 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। मिजोरम में एक चरण में मतदान होना है, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग संपन्न कराए जाएंगे। और इसके अलावा बड़ी खबर ये भी कि छत्तीसगढ़ चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, सभी मतदाताओं से वोटिंग की अपील की है। ये बड़ी खबर, जहां गृहमंत्री अमित शाह ने देखे ट्वीट करके अपील की है मतदाताओं से कि आप संख्या में निकले और वोटिंग करें। प्रदेश से भ्रष्टाचार और घोटालों के शासन को समाप्त कर जनजातीय समाज, किसानों, गरीबों और युवाओं के कल्याण के प्रति समर्पित सरकार चुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।